हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत इजी है, 5 मिनट की रेसिपी है, और जब हमें कुछ सब्जी समझ में नहीं आती तब हम इसे ट्राई कर सकते हैं और हमें बहुत पसंद आएगी। तो ये मैंने लेना है एक प्याज, थोड़ा एक टमाटर और एक गठान लहसुन की, 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो इसे हम एक मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें मैंने ऐड करने हैं फ्रेंड्स कुछ मसाले। तो जैसे मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच दही, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, और इसे अच्छे से पीस लेते हैं। अब मैंने डालना है इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी, और साथ में ही ऐड करूँगी 1 चम्मच बटर, और इसे हमें ज़्यादा नहीं मतलब कलर होने देना है क्योंकि हमारा बटर बहुत जल्दी जल जाता है। तो मैंने डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई और थोड़ी सी इसमें हम हींग भी ऐड कर देंगे, और बस थोड़ा इन्हें सेक लेंगे। और उसके बाद मैंने जो चटनी है वो पीस के रेडी कर ली है, तो मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, मेरा बटर देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, उसकी वजह से मेरा कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो आप बटर को बहुत लो फ्लेम पर ही पकाएं क्योंकि बटर बहुत जल्दी जल जाता है। तो ये देखिए हमारा, बस जो हमें ये चटनी को जब तक पकाना है इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से हमारा जो चटनी है वो थिक हो जाए, बस उसके बाद हमारी चटनी फाइनली रेडी हो जाएगी। और ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, 5 मिनट में बनने वाली, और टेस्ट में तो ये हमें बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हम 2 की जगह 4 रोटी इसके साथ खा जाएंगे क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। तो जब कभी हमारे पास टाइम नहीं होता तब इसे ट्राई कर सकते हैं। आज मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हम लोग आज मार्केट गए थे, तो मैंने जल्दी से आके ये फटाफट ये बना लिया और इसको अब मैं सर्व करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।